हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। आज की स्टोरी है एक आलसी इंसान की। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत आलसी इंसान था। वो कुछ नहीं करना चाहता था, वो हमेशा निठल्लों की तरह पड़ा रहता था और वो चाहता था कि हमेशा कुछ खाने के मिल जाए और मेरा काम बन जाए। एक दिन वैसे ही घूमते घूमते वो एक बाग में पहुंच गया। वो बाग था आम का। वहां बहुत रसीले रसीले और अच्छे आम लगे हुए थे। उन आमों को देखकर उससे रहा नहीं गया और वो एक आम के पेड़ पे चढ़ गया आम तोड़ने के लिए। जैसे ही वो एक पेड़ पे चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ गया। डर के मारे वो जल्दी से नीचे उतरा और भागने लगा। और भागते भागते गांव के ही पास में एक जंगल था, वहां पहुंच गया। और वहां इतना थक गया था वो, एक पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ताने लगा। तभी उसने देखा कि आगे से एक लोमड़ी लंगड़ाते हुए आ रही है। वो सोचने लगा, इस घने जंगल में लोमड़ी इस हालत में भी कैसे सर्वाइव कर रही है, मतलब इसको किसी ने मार के, किसी और जंगली जानवर ने मार के खाया क्यों नहीं है। वो सोचने लग गया इसके बारे में और सोचा कि चलो देखता हूँ मैं थोड़ी देर कि इसके साथ क्या होता है। वो उसी पेड़ पे जाके चढ़ गया और देखने लग गया कि इस लोमड़ी के साथ क्या होता है। तभी उसने देखा कि एक शेर वहां पे आ रहा है। उसने सोचा कि वो शेर उसको मार के खा जाएगा, लेकिन शेर उसके पास आया, उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। उसने लोमड़ी को दे दिया और लोमड़ी ने उसको खा लिया। वो यही सोचने लग गया कि कोई भूखा नहीं मरता, भगवान सब देख रहा है और सबके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए भेज ही देता है। तो यही सोच के वो वापस अपने घर चला गया और वेट करने लग गया कि हाँ, वो भूखा नहीं मरेगा, कोई ना कोई उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ले ही आएगा। दो तीन दिनों तक वो वहां बैठा रहा घर के अंदर और वेट करता रहा कि हाँ, कोई उसके लिए खाना लेके आएगा, लेके आएगा, लेके आएगा, बट कोई लेकर के नहीं आया। लेकिन दो तीन दिन वेट करने के बाद भी जब कोई भी नहीं आया, वो भूख के मारे उसकी हालत खराब होने लग गई। तो उसको अपने घर से बाहर निकलना पड़ा खाना ढूंढने के लिए। खाना ढूंढने के लिए जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए हैं। वो साधु के पास गया और उसने सारी स्टोरी जो जंगल में हुई थी वो सारी कहानी सुना दी और ये बोला उनको, ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं, मतलब उनके पास जानवरों के लिए खाना है लेकिन मेरे जैसे इंसानों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसी बात नहीं है, भगवान के पास सबके लिए पर्याप्त खाना है, सबके लिए खाना है, सबको, भूखा किसी को भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम लोमड़ी ना बनो, तुम शेर बनो, लोमड़ी ना बनो, तुम शेर बनो, जो कि अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सके। तो हमें इससे क्या सबक मिलता है? हमें इससे ये सबक मिलता है कि हम सबके पास असीम क्षमताएं हैं, लेकिन हम अपनी मंद बुद्धि की वजह से हम उनको पहचान नहीं पाते और हमेशा हम अपने आप को कम समझते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी मदद करें। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना चाहता है। अगर हमें कुछ अच्छा करना है अपने लिए, हमें कुछ अचीव करना है, उसके लिए हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि कोई हमें कुछ करके दे देगा, कुछ ला करके दे देगा। ये थी स्टोरी। अगर स्टोरी आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।